सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आपको हमारी फ्रेंच रिवियरा सीरीज़ पसंद आई हो। मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, एंड आप चाहें तो ऊपर पॉपअप बैनर में भी क्लिक कर सकते हैं। तो अगर आप लोग अभी ये सोच रहे हैं कि हम लोग कहाँ पे हैं, सो वी आर इन अ सिटी कॉल्ड बाडन बाडन इन जर्मनी, एंड हम लोग यहाँ पे हैं एज पार्ट ऑफ आवर स्विट्ज़रलैंड सीरीज़, जो कि हम आगे आने वाले कुछ एपिसोड्स में कवर करेंगे। सो आज का हमारा प्लान ये है कि हम जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट रीजन एक्सप्लोर करेंगे। बाडन बाडन जो सिटी है वो ब्लैक फॉरेस्ट रीजन के अंदर में ही पड़ता है, एंड जैसा कि आप लोग सोच रहे होंगे, एंड काफ़ी हद तक आप लोग सही भी हैं, जो ब्लैक फॉरेस्ट केक है वो ब्लैक फॉरेस्ट रीजन से ही आता है। एंड ब्लैक फॉरेस्ट रीजन की एक और वर्ल्ड फेमस चीज़ है, जो हम आपको अभी नहीं बट थोड़ा बाद में बताएंगे। बाडन बाडन सिटी के बाद में हम लोग अपनी जर्नी टूवर्ड्स स्विट्ज़रलैंड कंटिन्यू करेंगे, एंड वी विल बी टेकिंग रूट 500 विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द ब्लैक फॉरेस्ट हाई रोड, एंड इट इज़ अपेरेंटली वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल सीनिक थीम्ड रोड्स इन द एंटायर वर्ल्ड। So stick around as we explore the Black Forest region of Germany. We were traveling in the last week of October. एंड ये मंथ होता है फॉल या ऑटम का, जिसकी ग्लिम्स यू विल सी थ्रू दिस वीडियो इन द फॉर्म ऑफ सम ब्यूटिफुली कलर्ड ट्रीज। लास्ट टू वीक्स ऑफ अक्टूबर यूरोप में ऑटम ब्रेक के भी होते हैं, एंड मेनी पीपल प्लान फॉर अ वेकेशन ड्यूरिंग दिस टाइम। बाडन बाडन को यूरोप का वन ऑफ द ग्रेट स्पा टाउन्स बोला जाता है बिकॉज ऑफ इट्स फेमस स्पास एंड रोमन स्टाइल आर्किटेक्चर एंड सेटिंग्स जिनमें ये स्पा बने हैं। इनफैक्ट जर्मन लैंग्वेज में बाड का मतलब होता है बाथ, एंड हेंस द नेम बाडन बाडन। पूरी सिटी इज क्लासिफाइड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो अभी हम हैं बाडन बाडन में, एंड मेरे पीछे आप देख रहे हैं फ्रीडरिच्सबाड। यहाँ की स्पेशलिटी है कि ये एक 130 ईयर ओल्ड रोमन स्टाइल बिल्डिंग में बना हुआ है। इस स्पा में जिस स्प्रिंग से पानी आता है, कैन यू इमेजिन, इट्स 17,000 ईयर्स ओल्ड एंड इज इनसेनली रिच इन इट्स मिनरल कंटेंट। नो वंडर यहाँ का 17 स्टेप्स स्पा ट्रीटमेंट इज सो फेमस। बाडन बाडन इज अ लवली लिटिल टाउन, आप जहाँ इजिली 2 से 3 दिन इंजॉय कर सकते हैं। अगर आप बाडन बाडन के साथ कुछ और सिटी एक्सप्लोर करना चाहते हैं, देन आई हैव 2 रिकमेंडेशंस फॉर यू। वन इज द ब्यूटिफुल सिटी ऑफ स्ट्रासबर्ग इन फ्रांस, विच इज 50 किलोमीटर्स अवे, एंड द अदर वन इज द ऑटोमोटिव कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड स्टुटगार्ट, विच इज 100 किलोमीटर्स अवे। फ्रीडरिच्सबाड से कुछ मीटर अपार्ट ही है कराकला थर्मल बाथ, विच इज बेसिकली द न्यूअर एंड अ मॉडर्न वर्जन ऑफ फ्रीडरिच्सबाड। दोनों के मिनरल रिच वाटर का सोर्स एक ही थर्मल स्प्रिंग है। कराकला बाथ के पास है एक छोटा सा म्यूजियम जहां रखे हुए हैं कुछ रेलिक्स फ्रॉम द रोमन टाइम्स व्हेन दे डिस्कवर्ड द थर्मल स्प्रिंग्स ऑफ बाडन बाडन। बाडन बाडन का सिटी सेंटर इज सरप्राइजिंगली बिग एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द टाउन, एंड बिकॉज इट वॉज अ ब्राइट एंड अ सनी डे, आज कुछ ज़्यादा ही लोग दिख रहे थे। फ्रॉम वॉट आई रिमेंबर द लास्ट टाइम वेन वी केम हेयर, दैट टाइम भी द सिटी सेंटर वॉज क्वाइट बजिंग।
टाउन घूमते घूमते इट वॉज ऑलरेडी आफ्टरनून एंड इट वॉज टाइम फॉर लंच, और आज हमारा मन था बार्डन बार्डन का कोई इंडियन रेस्टोरेंट ट्राई करने का. सो वी चेक द रिव्यूज ऑफ अ फ्यू प्लेसेज एंड हेडेड टू वन ऑफ देम, एंड ऑन द वे वी स्टॉप्ड एट अनदर बार्डन बार्डन लैंडमार्क, द ट्रिंकहाले. The spa guests in olden times would come here and drink the thermal water spring which was known as the sip of health. Isiliye iska naam Trinkahale pada, meaning a hall where one could drink. Interestingly, aaj aapko mil jayenge a modern version of these Trinkahales in every nook and corner of any German city, selling beverages, tobacco and snacks. After Trinkahale, we continued our pursuit of food and reached Ganesha restaurant, which was 8 minutes walk from the main square of Baden-Baden. The ambience of the restaurant was quite pleasant and khana was really delicious. I would recommend this restaurant. बार्डन बार्डन में लंच लेने के बाद अब टाइम था टू हेड टू आर एयरबीएनबी फॉर टुनाइट, विच वॉज इन द साउथ ऑफ जर्मनी जस्ट एट द बॉर्डर ऑफ स्विट्जरलैंड. एंड इस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए हमारे रूट का एक पार्ट था द फेमस ब्लैक फॉरेस्ट हाई रोड. अब जब हम ब्लैक फॉरेस्ट के अंदर में से गुजर रहे हैं, लेट मी ट्राई एंड आंसर वन बेसिक क्वेश्चन कि ब्लैक फॉरेस्ट को ब्लैक फॉरेस्ट क्यों कहते हैं. वो इसलिए कि यहाँ के ट्रीज बहुत ही डेंसली पैक्ड हैं एंड बिकॉज ऑफ विच दूर से ये ब्लैक अपीयर होते हैं. ब्लैक फॉरेस्ट का नाम रोमन्स ने रखा था बिकॉज इट लुक डार्क एंड इम्पेनेट्रेबल. जर्मनी के ग्रिम ब्रदर्स की फेमस फेरी टेल्स हैंसल एंड ग्रेटल, रैपुंजेल, स्लीपिंग ब्यूटी की सेटिंग ब्लैक फॉरेस्ट से ही इंस्पायर्ड थी. इस रोड पे ड्राइव करते टाइम ऐसा फील होता है कि शायद गलती से एक रेस ट्रैक पब्लिक रोड की शक्ल में फॉरेस्ट में बना दिया गया है. कुछ सेक्शंस में तो आपको ओकेजनल स्ट्राइप्ड गार्ड रेल्स भी मिलेंगे, एडिंग टू द रेस ट्रैक फीलिंग. मैंने इस रोड पे बहुत बार ट्रैवल किया है एंड बारिंग वन टाइम रोड का टारमैक हैज बीन बटर स्मूथ टू ड्राइव. इवन द शार्पेस्ट हेयरपिन बेंड्स आर क्वाइट ब्रॉड, जिसकी वजह से ऑन अ वीकेंड और हॉलीडे दिस रोड इज फ्लोइंग, फ्रीक्वेंटेड बाय मोटरसाइक्लिस्ट स्पेशली एंड स्पोर्ट्स कार्स. ब्लैक फॉरेस्ट हाई रोड का हाईएस्ट पॉइंट इज क्राउन्ड बाय लेक मोमुलसी, जो कि एक ग्लेशियल लेक है फ्रॉम द लास्ट आइस एज. इस लेक के अराउंड बना हुआ है ये पॉपुलर स्पॉट, ऑफरिंग सम ब्लैक फॉरेस्ट स्पेशलिटीज. एंड ऑल्सो यहाँ से शुरू होती हैं मेनी हाइकिंग ट्रेल्स इनटू द फॉरेस्ट. ये इतना पॉपुलर स्पॉट है कि ऑन अ गुड डे यहाँ पार्किंग मिलना मुश्किल होता है डिस्पाइट हैविंग मल्टीपल पार्किंग लॉट्स. ब्लैक फॉरेस्ट केक यहाँ की स्पेशलिटी है ऑब्वियसली, एंड इट इज ऑल्सो माई पर्सनल फेवरेट. द केक इज सोक्ड इन अ जेनरस अमाउंट ऑफ स्पिरिट मेड फ्रॉम चेरीज एंड कम्स अलोंग साइड सा क्रीम. अगर आप यहाँ आते हैं तो दिस यू शुड डेफिनेटली ट्राई. हियर वी आर इन द ब्लैक फॉरेस्ट रीजन, एंड यहाँ का जो सरप्राइज जो मैं बात कर रहा था इज द वर्ल्ड फेमस कुकू क्लॉक. ये वर्ल्ड फेमस क्लॉक्स आती हैं ब्लैक फॉरेस्ट रीजन से. इस जगह की सुविनियर शॉप में काफी डिसेंट कलेक्शन है कुकू क्लॉक्स का. अदरवाइज ब्लैक फॉरेस्ट की कुकू क्लॉक्स आपको जर्मनी में और जगह भी मिल जाएगी. प्राइस रेंज ऑफ दीज क्लॉक्स स्पैन फ्रॉम अ फ्यू हंड्रेड टू अ फ्यू थाउजेंड यूरोस. ब्लैक फॉरेस्ट में एक कुकू क्लॉक थीम पार्क भी है, जहां है एक ह्यूज क्लॉक जिसके अंदर आप जाके क्लॉक मशीनरी को एक्सप्लोर भी कर सकते हैं. ब्लैक फॉरेस्ट हाई रोड इज 60 किलोमीटर्स लॉन्ग
एंड इसके अलोंग आपको मिलेंगे काफी सारे वाटरफॉल्स, पिकनिक स्पॉट्स एंड वेंटेज पॉइंट्स टू लुक एट द फॉरेस्ट रेंज। अगर आपको हाइक करना पसंद है, देन यू विल रियली लाइक बीइंग इन दिस रीजन ऑफ जर्मनी। टुमारो ऑनवर्ड्स हम एक्सप्लोर करेंगे स्विस के कुछ पॉपुलर डेस्टिनेशंस एंड शेयर करेंगे हमारा एक्सपीरियंस आप सभी के साथ।